स्टूडेंट्स, अब हम ऑप्टिकल बेंच से एक रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमने इजीनेस के लिए इस ऑब्जेक्ट पिन को एक फिक्स पोजीशन पे रख दिया, और हमारी इजीनेस रहे उसके लिए इसे हम सबसे पहले इसको जीरो पे सेट करते हैं। देखिए, आपको इस लेंस के थ्रू ये मालूम पड़ रहा होगा कि हमने इसको स्केल के जीरो पर सेट करके रखा है, ठीक है ना। ये हमारे स्केल, ये इसकी जो लाइन है ये मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड है, देखिए। और हमने इस लेंस को इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करी थी, और उसके हिसाब से हमने इसे 2f से बाहर की तरफ रखा था, तो ये हमने इसे 40 सेंटीमीटर पर सेट कर दिया। ये देखिए, अब हम पैरालेक्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि लेंस में ऑब्जेक्ट पिन का इन्वर्टेड इमेज हमें दिख रहा है, और ये हमारी इमेज पिन है। अभी अगर मैंने गर्दन को इधर उधर घुमाया तो ऑब्जेक्ट पिन का इमेज और इमेज पिन दोनों एक साथ नहीं मूव कर रहे। हम इसे आगे बढ़ाएंगे और हम इसे उस पोजीशन पे सेट करने की कोशिश करेंगे जहां पर पैरेलेक्स दूर होगा। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं और देखिए, अभी भी पैरेलेक्स है क्योंकि दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे, अभी भी पैरेलेक्स है। हमने इसे आगे बढ़ाया, इस वक्त भी पैरेलेक्स है। अब देखते हैं, अभी भी पैरेलेक्स है बच्चे। अभी भी है पैरेलेक्स, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इसमें पैरेलेक्स रिमूव होगा। देखिए, यहां पर हम ट्राई करते हैं। अब हम देखें कि ऑब्जेक्ट पिन का इमेज और इमेज पिन दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैरेलेक्स एरर रिमूव हो चुका है। तो अब हम समझें कि इस सिचुएशन में इमेज पिन और लेंस के बीच का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी हमने पहले ऑब्जेक्ट को जीरो पे सेट कर दिया था, लेंस को हमने 40 पे सेट किया था, और यहां पर हमारा इमेज पिन ऑलमोस्ट 70.5 पर है। तो हमें U के कॉरस्पॉन्डिंग V मिल गया। अब हम U की वैल्यू को चेंज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम ऑब्जेक्ट पिन को अपनी जगह पर रखेंगे, लेंस को स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, और फिर वापस पैरेलेक्स को रिमूव करेंगे। इस तरह से हमें रीडिंग के 5-6 जितने भी सेट रिक्वायर्ड हैं हम उतने सेट लेंगे, लेकिन हर U के कॉरस्पॉन्डिंग V को मेजर किया जाएगा। जैसे इस अरेंजमेंट के लिए हमारे लिए U 40 सेंटीमीटर था और V का वैल्यू 30.5 सेंटीमीटर था। तो U और V की अलग अलग वैल्यू लेंगे, 1/V और 1/U में ग्राफ बनाएंगे, बाकी हम कैलकुलेशन पार्ट में आगे समझते हैं।